दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे शांत कमरा कौन सा है? मेरा कमरा। दोस्तों, उस कमरे का नाम है ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी। दोस्तों, ये लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा शांत है कि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको आपके दिल का आवाज़ और आपके किडनी का आवाज़ भी आपको सुनाई देगा। और ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। गजब की फैक्ट है। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। इसमें क्या होता है कि हम सो रहे होते हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम मूव नहीं कर पाते। आगे सुनते जाओ, आपकी दैया दैया हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम आँखों को बंद करते हैं तो क्या वैसे कैसे एक रेस टाइप है हमारा सामने आता है, हमारे आँखों के सामने जब हम आँखें बंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस रेखा का नाम क्या लिया, उस कलर का नाम क्या है? आप आगे देखते जाओ, आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो गाइज, आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि 4 महीने बाद मैं फिर से आ चुका हूँ, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी एंड यू आर वॉचिंग SM स्मार्ट लर्निंग। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु, हो जा शुरू। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें सर दर्द क्यों होता है? जो हम पैरासिटामोल या कुछ भी दवाई ऐसा खा लेते हैं तो हमें सर दर्द होता क्यों है? दोस्तों, सर दर्द होने का सिर्फ एक ही बड़ा कारण है, जब हमारे दिमाग में मतलब हमारे ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड की परिमाण सबसे मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब हमें सिर दर्द फील होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में लाखों ऐसे पेड़ हैं जो कि गिलहरी की मदद से एक्सीडेंटली बन चुके होंगे, क्योंकि गिलहरी जब कोई बीज चबाती है उसे चबा के किसी जगह पे छोड़ देती है, उसके बाद वो भूल जाती है कि उसने उस बीज को कहीं पे दफनाया था और वही बीज बाद में पेड़ बन जाता है। इसका मतलब गिलहरी असली इंसान से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि गिलहरी पेड़ लगाता है, हम तो पेड़ उखाड़ फेंकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1955 में स्मोकिंग करने वालों की अय्याशी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सिगरेट का पैकेट वाला जो था ना मशीन, हम जो हुक्का खींचते हैं बड़े लोग, वो कुछ ऐसा हुआ करता था। 1955 की ये तस्वीर है, मतलब तब सिगरेट का जो डिवाइस था जिससे हम फूकते थे, लोग फूकते थे, उस वक्त का डिज़ाइन ये था। तो जो सिगरेट खाते रहते ना, तो वो देख लो भाई कि कब कैसा होता था, ताकि आप भी आगे प्रोसेस को रोटेट कर सको। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हो, उस फोटो में आप जिस शिप को देख रहे हो ना, जो एक जंगल के ऊपर है, मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं आइलैंड के ऊपर है, क्या आपको पता है कि ये कोई शिप नहीं है, ये एक होटल है जो कि साउथ कोरिया में बेस है, और इसे बनाने में साउथ कोरिया वालों की पैंट गिली हो गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अराउंड 80% ह्यूमन जो बातें करता है ना, वो गॉसिप होता है, मतलब फुसफुसाना, जैसे हम फुसफुसाते ना, वो देखो शर्मा जी के बेटे ने इस बार यहाँ से टॉप किया, वो देखो शर्मा जी के बेटे ने इस बार वहाँ से टॉप किया, दिमाग खा जाते हैं ये लोग। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे जो ताकतवर कॉफ़ी है ना, जिसका नाम है एका डेथ विश कॉफ़ी, उसमें करीबन 200% से भी ज़्यादा कैफीन होता है, और ये कैफीन हमारे 3 दिन की नींद उड़ाने के लिए, ये तीन दिनों की नींद उड़ाने के लिए सफिशिएंट है, और इसीलिए इसे इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। अगर आपको 3 दिन तक नहीं सोना है ना, आराम से खाओ, आपके 3 दिन के सपने ये खुद देख लेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने दांत को, आप जैसे राइट हैंड से आप ब्रश करते हो, उसकी जगह आप लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे तो आपका ब्रेन फोर्स हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए, मतलब वर्क काम करने के लिए, और जिसकी वजह से आपका दिमाग से आपका सेल्फ कंट्रोल भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये फैक्ट कैसा लगा, नीचे कॉमेंट में कॉमेंट ठोक देना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो, वो एक हाथी की फोटो है जिसका नाम है मित्रानी, और इस उम्र है वो है 23 मंथ्स, और इसे दुनिया की सबसे छोटी गाय कहा जाता है, मतलब काऊ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमने बचपन से बहुत कुछ सुना है, रेनबो, ये वो सब वो, लेकिन क्या आपने कभी मून वो के बारे में सुना है? दोस्तों, रेनबो की तरह ये भी एक अजूबा ही है, क्योंकि मून वो जो होता है, मून वो हमेशा रात के वक्त निकलता है, लेकिन ये किस किस देश में निकलता है इसकी कोई प्रमाण पुष्टि नहीं है, कभी कभी ही निकलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप च्युइंगम खाते हो ना, जो लोग च्युइंगम चबाते हैं और रास्ते में फेंकते हैं, आपकी मर्जी है, क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, क्योंकि अगर आप च्युइंगम खाते हो तो च्युइंगम के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से आपका जो दिमाग का स्पीड है ना, वो इंक्रीज हो जाता है बहुत लेवल तक। इसका मतलब ये नहीं कि च्युइंगम खा के जहाँ सारा थूक दो, च्युइंगम खा के डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। दोस्तों, आप जब भी रात को सोते हो और सुबह उठते हो, तो आपको ऐसा कभी ना कभी तो नोटिस हुआ ही होगा कि जब आप सपने मतलब सपने से उठ रहे होते हो, तो आपके हाथ पैर
खुल क्यों नहीं रहे होते हो? मतलब आप सो रहे हो और उस वक्त आप सब कुछ देख पा रहे होते हो कि सब कुछ मेरे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन आप मूव ही नहीं कर पाते हो। क्या आपको ये पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, और ये हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार महसूस ज़रूर करता है। अगर आपने ये कभी महसूस किया है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर ठोक देना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम आँखें बंद करते हैं तब हमें जो रोशनी दिखता है ना, जो रोशनी दिखाई देती है उसका कोई कलर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ब्लैक नहीं होता, वो ब्लैक से थोड़ा डिफरेंट ही होता है। दोस्तों, उस कलर का नाम है, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, नाम खुद पर लेना, मैं मुझसे नहीं होगा। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है एजेन ग्रव। एजेन ग्रव कैसा नाम है, बड़ा ही अजीब नाम है। तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर ठोक देना। यार, 4 महीने बाद फिर से ऐसा स्मार्ट लर्निंग बैक हो चुका है। क्यों ने वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर ठोक देना। तो गाइस, आज का लाइक है मैं रखता हूँ 10 likes, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। और गाइस, आज का सवाल तो पूछ रहे, तो कहाँ भाग रहे हो? ऐसे ही मत भागा करो, इतने दिनों बाद वीडियो लाए हो, वीडियो देख के तो जाओ। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दिल एक दिन में 1000 बार धक 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 करता है? दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पर इसकी वीडियो डाल दिया आंसर के साथ, आप वहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हो। ये रहा यूज़र नेम Mukherjee_Somnath, वहाँ पे जाके कमेंट कर देना ईमानदारी से, अगर आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता था, बी ऑनेस्ट, ओके? 4 महीने बाद फिर से बोल रहा हूँ, बी ऑनेस्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक मतलब मांग लिया तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके।